हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी दी वेफेयर। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने डेली रूटीन के बारे में। सो, हर सुबह उठना, इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करना, उसके बाद मॉर्निंग टी, फिर ब्रेकफास्ट करना और फिर काम करना, और ये सब इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए। सो ये हमारा ऑलमोस्ट डेली का रूटीन बन चुका है जब से हम माउंटेंस में शिफ्ट हुए हैं टेम्परेरीली। बट कल हम इस खूबसूरत जगह को छोड़कर जाने वाले हैं। सो, मैंने सोचा कि उसके पहले यहाँ का एक टूर तो बनता है। सो, शुरू करें। अभी हम हैं मनाली से अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर, और मनाली माल रोड जाने का भी यहाँ से एक शॉर्टकट है, एक शॉर्ट हाइक है अराउंड 15 to 20 मिनट्स का। डिसेंड करके एक शॉर्ट ट्रैक इधर से जा रहा है, तो वहाँ से हम मनाली माल रोड पे जा सकते हैं। इसके अलावा बाय रोड 5 to 6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है मनाली का। एंड ये जो रोड जा रही है ऊपर में, ये जाती है कन्याल विलेज तक, एंड जो नीचे से हम आए हैं वहाँ पे है सिमसा विलेज। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिमसा और कन्याल विलेज के सेंटर में है एक तरह से। यहाँ से ये एक डाउन ट्रैक जा रहा है मनाली मेन रोड पे जाने के लिए, तो यहाँ से मनाली माल रोड पे इजीली जा सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। सो चलिए अब हम करते हैं इस प्रॉपर्टी का टूर। सो अगर हम बात करें लोकेशन की, तो एक तरफ तो ये जगह मनाली की हसल बसल से काफ़ी दूर है, और दूसरी तरफ मनाली माल रोड यहाँ से बहुत इजीली एक्सेसिबल है, सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर। नाउ गोइंग टुवर्ड्स आवर रूम। सो हियर वी आर इन द रूम राइट नाउ। सो दिस इज अ रूम, बहुत बड़ा रूम नहीं है, स्मॉल रूम है, बट इट्स विद बालकनी एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। सो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं जो बालकनी से देखने को मिलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। लेट मी शो यू। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द बालकनी, एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सो अमेजिंग। एंड डेली जब भी हम डेली उठते हैं तो नज़ारा कुछ अलग ही होता है, ऐसा नहीं लगता कि रोज़ ही एक ही व्यू हमें देखने को मिल रहा है, और कुछ भी बोरिंग नहीं लगता है। एंड दिन भर इतने सारे बर्ड्स हमारी बालकनी में आते रहते हैं, इतने सारे बर्ड्स की आवाज़ें आती रहती हैं। और इसके अलावा ब्यास रिवर जो है वहाँ उस साइड में है, तो ब्यास रिवर की भी यहाँ तक आवाज़ आती है। एक और चीज़ जो बालकनी से हम देख पाते हैं, दैट इज़ एप्पल एंड पेयर ऑर्चर्ड्स, तो वो होटल से निकलते ही जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और बालकनी से हम सारा गार्डन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इवनिंग में अगर हम कहीं बाहर नहीं होते तो फिर बालकनी से ही कलरफुल सनसेट एंजॉय करते हैं। सो दिस इज द रूम, दिस इज द बेड, एंड सो यहाँ पे बैठ के यूजुअली मैं अपना काम करती हूँ। एंड समटाइम्स व्हेन वी डोंट फील लाइक गोइंग टू कैफेटेरिया, तो हम लंच भी यहीं पे करते हैं अपने रूम में। सो अगेन, रूम बहुत बड़ा नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट्स नाइस, कोजी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नीट एंड क्लीन। सो दिस इज द वॉशरूम एरिया विच इज रियली नीट एंड क्लीन। सो गाइज, ये था हमारा वर्केशन एट मनाली फॉर अ वीक। And that's all for this video. I hope that you enjoyed this video. If you did, then please like, share, comment and subscribe to my channel if you haven't already subscribed it. Thank you so much. See you in the next one. Bye-bye.